दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका घेरा दीक्षित आजकल खूब सुर्खियों में है। अब भाई बड़ा पाव गर्ल बिग बॉस OTT3 में जलवा दिखाने को बिल्कुल तैयार है, ऐसे में उनका सुर्खियों में रहना तो बनता ही है। वहीं कल बिग बॉस OTT3 का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर से पहले बिग बॉस के धड़ाधड़ प्रोमो भी सामने आ रहे थे। ये प्रोमो वीडियो देखकर फैंस भी रात 9 बजे का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। वहीं अब स्टेज पर क्या होगा उसकी एक झलक भी सामने आ चुकी है। दिल्ली की फेमस बड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका घेरा दीक्षित बिग बॉस OTT3 में आ चुकी हैं। उनके लिए ये शो आसान नहीं होगा, ऐसा हम नहीं बल्कि नया प्रोमो देखने के बाद कहा जा रहा है। वहीं शो में आते ही अनिल कपूर ने बड़ा पाव गर्ल पर गंभीर आरोप लगाए। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। दरअसल अनिल कपूर ने स्टेज पर ही चंद्रिका घेरा दीक्षित को सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया और उन पर सवाल के साथ साथ आरोपों की भी जमकर बारिश की। अनिल कपूर ने बड़ा पाव गर्ल से आते ही कई सवाल कर डाले। अब उनके तीखे सवालों का भी बड़ा पाव गर्ल ने जवाब दिया है। सबसे पहले शो के होस्ट अनिल कपूर खुद को चंद्रिका घेरा दीक्षित की खूबसूरती की तारीफ करने से रोक नहीं पाते। अनिल कपूर चंद्रिका को सारी में देखते ही कहते हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है आप, मैं तो देखता ही रह गया। इसके बाद होस्ट ने शो की सबसे कंट्रोवर्सियल कंटेस्टेंट से उनकी लाइफ की उथल पुथल को लेकर सवाल किए और उन्हें बताया कि लोगों ने उन पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए। इनमें से एक आरोप तो ये भी था कि वो पैसे देकर ब्लॉगर से वीडियो बनवाती हैं। इस आरोप पर सफाई देते हुए बड़ा पाव गर्ल बोली, हराम की कमाई नहीं आ रही है मेरे पास। वहीं दूसरा आरोप ये था कि बिग बॉस में आने के लिए उन्होंने जानकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हैरानी तो तब होगी जब अनिल कपूर ने उनसे पर्सनल सवाल किए, चंद्रिका ने किसके साथ गलत किया है, अब उसे लेकर बात की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद को सही साबित करने किसी के साथ मिसबिहेव किया था। अब इस पर सफाई देते हुए चंद्रिका ने कहा, जब रक्षा से भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे। अब ये चटपटे सवाल सुनकर फैंस की भी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।